इंदौर की कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में हमारे वार्ड का रोड नहीं बनाया गया तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसका जवाबदार प्रशासन होगा। दरअसल क्षेत्र की जनता लगातार परेशान हो रही है। क्षेत्रीय पार्षद भी कई बार अधिकारियों से शिकायतें कर चुके हैं, उसके बाद भी समस्याओं का हल नहीं होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वार्ड कांग्रेस का है, इसलिए वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दरअसल निगम अधिकारियों से पार्षद अनवर कादरी ने कई बार शिकायतें भी की, किंतु आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। निगम अधिकारियों पर कई बार सवाल उठ रहे हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का, वार्ड भगवान भरोसे छोड़ रखा है, जबकि क्षेत्रीय पार्षद अनवर कादरी भी निगम अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि वार्ड की समस्याएं जल्द से जल्द खत्म हो सके। चौकी का जो एक टूटा पट्टा है बीच में, इसमें आपने पहले भी एक आवेदन दिया था नगर निगम में और इसके लिए प्रदर्शन भी किया था, तो अभी मतलब यानी कि क्या है उसकी कार्रवाई, क्या प्रोसेस है आपकी तरफ से? देखिए, हमने जब ये रोड 2019 दिसंबर या नवंबर से खुदा हुआ है और इसको लेके नगर निगम ने इसका टेंडर कर दिया था, जब खोदा था अभिषेक अग्रवाल ठेकेदार ने और सरबजीत गौड़ के दोनों ने पार्टनरशिप में ये रोड लिया था और इन्होंने चूँकि ऑनलाइन है तो इसमें पार्षदों का कोई मसला रहता नहीं है, ठेकेदार अपनी मर्जी से काम लेते हैं और कोई भी कहीं भी टेंडर डाल देता है। उन्होंने टेंडर डाला और खोदने के बाद उन्होंने वहाँ काम नहीं किया, 2-2.5 लाख रुपए का उन्होंने जो बेस वेस सब जो बनाया था वो बनाया, उसके बाद काम नहीं किया। बहुत टाइम से वो आज बना रहे हैं कल बना रहे हैं ऐसे करके, मैं उनको डेढ़ साल तक फॉलो करता रहा, फिर मैंने ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई के लिए सिटी इंजीनियर दिलीप सिंह चौहान साहब को कहा, सिटी इंजीनियर साहब ने उसको ब्लैक लिस्टेड कर भी दिया। हमने उसका जो आंदोलन किया था तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि उसका रिटेंडर होगा, टेंडर तो उन्होंने कर दिया, ब्लैक लिस्टेड करके टेंडर कर दिया। अब चूंकि उसका टेंडर अभी तक किसी ने डाला नहीं है तो अभी हमने उनसे एक गुजारिश की है कि इसको आप डामर का ही बनवा दें ताकि वहाँ पर लोगों को सहूलियत हो जाए, तो मुझे उन्होंने कल और या परसों के अंदर 2 दिन के अंदर बनाने का कहा है। आज ही मेरी बात हुई है जेडो साहब से भी और सिटी इंजीनियर साहब से, 6-7 दिन से बात चल रही है, तो जो डामर के जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं 6-7 दिन में शुरू हुए हैं तो वो कहीं से भी प्लांट से जो माल उनको अभी मिल नहीं पाया है तो शायद कल उनको माल मिल जाएगा, तो वहाँ पर आके और वो रोड को पूरा बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर वो 2 दिन में अगर काम नहीं चालू करते हैं तो फिर हम उसका आंदोलन करेंगे। उसी तरह का एक रोड हमारा सदर बाजार का भी है कि सदर बाजार में ही पूरा रोड खुदा हुआ है नहारशेवली टी स्टॉल से लेके, उस रोड को भी बनवाने के लिए हमने कहा है। एक रोड ये अपना पानी की टंकी सदर बाजार से है, इसके लिए भी ये भी रोड पहले ड्रेनेज डली थी तो ये पूरा खुद गया और पूरा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं, तो इसको भी लेके हमने मेरे वार्ड के ये 3 रोडों के लिए कहा है। और मरी माता से लेके इमली बाजार चौराहे तक जितने भी पेचवर्क के जो गड्ढे हो गए बारिश के कारण उसका पेचवर्क के लिए भी कहा, तो ये 4 काम हमने कहे हैं। और सिटी इंजीनियर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 2 काम आपकी प्रायोरिटी में अभियान बड़वानी चौकी और सदर बाजार में 2 दिन में करा दूंगा, उसके बाद में 2-4 दिन रुक के फिर हमारे को माल मिलेगा, तो फिर ये कि सदर बाजार मेन रोड वाला और ये मरी माता वाला रोड जो मरी माता से इमली बाजार तक जा रहा है इसके बीच के पेचवर्क पूरे करा दूंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। अगर नहीं करते तो फिर इसके बाद हम निगम कमिश्नर से मिलेंगे और मिलके इसके बारे में बात करेंगे, और नहीं करते तो फिर आंदोलन करेंगे। आपका शुभ नाम? पूर्व पार्षद अनवर कादरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव।